है दोस्तों। सो आज हम लोग बनाने वाले हैं आलू के पराठे। वेरी यूनिक टेक्निक, आई मीन बहुत लोगों को पता भी होगा, बट ये टेक्निक में आपके आलू कभी भी फटे में नहीं, लाइक बहुत ही अच्छे बने हैं। और चलते हैं जल्दी से किचन और विदाउट एनी फर्दर एडू, सो बनाते हैं आलू के पराठे। लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लाइक 1.5 कप आलू बॉयल कर लेना है, उसको बाद में मैश करेंगे, तो वो रेडी रखें उस। और अब चलते हैं, हम जो डो बनाना है उसके लिए हमें 2 कप आटा लेना है और लाइक व्हीट फ्लावर लेना है, और उसे उसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डालना है। लाइक मैंने 1.5 TSP नमक डाला है और उसमें पानी अराउंड 3/4 कप्स डाले हैं, और इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। मैं हर हफ्ते नए वीडियोज़ पोस्ट करता हूँ। थैंक यू। और जब पूरी तरह से गूंथ सब कुछ टुगेदर हो जाए तो फिर उसके बाद उसे साइड कर लेंगे और उसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और अब चलते हैं, हम लोग स्टफिंग बनाते हैं। तो हमें स्टफिंग अब बनाना है, इसके लिए हम लोग 1.5 कप जो उबले हुए आलू हैं उसे अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब देख सकते हो मिक्सिंग बाउल में लेंगे, फिर अपने स्वाद अनुसार नमक लेना है। लाइक मैंने यहाँ पे 1 TSP नमक लिया है, उसमें ऐड किया है 3/4 TSP रेड चिली पाउडर, और उसमें फिर मैंने जीरा जो होते हैं जीरा क्यूमिन सीड्स 1.5 TSP लिया है, इसे बहुत ही मस्त टेस्ट आने वाला है। और इसमें और भी मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि धनिया के सीड्स 1 TBSP, साबुत धनिया के सीड्स डालने हैं इसमें 1 TBSP, और फिर जिंजर जो होते हैं उसको अच्छे से चॉप कर लेंगे 2 TBSP के, नाइसली चॉप जिंजर ऐड करेंगे। और एक ग्रीन चिली लेना है, हरी मिर्च, उसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे 1, और धनिया पत्ते जो होते हैं कोरिएंडर लीव्स वो भी लेना है हमें अराउंड 1 TBSP के अराउंड। अब हम लोग 1/2 TSP अजवाइन भी ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हमारा स्टफिंग रेडी है। अब चलते हैं हम लोग पराठे बनाने के लिए। सब अब जो हम लोगों ने आटा गूंथा था उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे फिर से एक बार, और थोड़ा सा और आटा हल्का सा छिड़क लेंगे, और उसको अपने जो भी बोर्ड है उस पर रख के उसे 8 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। सो हर पराठे पे हम लोग 2 हिस्से का यूज़ करेंगे, एक नीचे वाला लेयर और एक ऊपर वाला लेयर। इससे बहुत ही मस्त स्टफिंग भी आएगी और कुछ भी हमारा टूटेगा नहीं, लाइक कुछ भी निकलेगा नहीं बाहर, और इससे मस्त डबल लेयर पराठा बनेगा। तो ये हमारा लाइक 8 टुकड़ों में बट जाएगा जो भी आटा है, और हम इसे अब स्टफ़ करते हैं आलू से। हर पराठा बनाने के लिए हमें लाइक 2 जो भी हम लोगों ने 8 पीसेस लिए उसमें से 2 पीस ले लेना है आटे के लोई या फिर पेड़ा, और उसे बेल लेना है। हमें बहुत ही बड़ा नहीं बेलना है, आधा लाइक जितना बड़ा पराठा होगा उसका आधा के अराउंड, लाइक थोड़ा सा इस तरह से आप उसको बेल लीजिए आधा आधा। और जब दो लोई या फिर 2 पेड़े अगर जब हम लोग बेल लेंगे तो उसके एक लोई या 1 पेड़े का बेस बना करके उस पर स्टफिंग डालेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो, आप साइड में थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देंगे और उसे स्टफिंग को अच्छी तरह से बिठा देंगे उस पर। और उसके बाद जो हम लोगों ने दूसरा रोल किया था, दूसरा लोई जो पेड़ा रोल किया था वो उसके ऊपर डाल करके साइड से अच्छी तरह से चिपका देंगे, और थोड़ा सा आटा हल्का हल्का छिड़क देंगे अगर आपको लग रहा है कि चिपक जाएगा तो, ऊपर और नीचे आटा छिड़क देंगे और उसे अच्छी तरह से बेल लेंगे। साइड से बेलेंगे, बीच से भी बेल सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि साइड से बेलने से, ताकि उसे अच्छी तरह से आलू का जो मसाला है मिक्स हो जाए और वो फटे नहीं। तो इस तरह से हम लोग हमारा पराठे बेल लेंगे जितने भी हैं, तो 4 पराठे बनेंगे हम लोगों ने जितने भी लिए हैं मसाला और जो आटा है उससे। और अब चलते हैं हम लोग इसे पकाने के लिए।
सो हम जो भी हमारा तवा है, अगर आपके पास लोहे का तवा है तो वो सबसे बेस्ट है, अगर नॉन स्टिक भी है तो वो भी अच्छा है। किसी भी तरह के तवे पे आप उसे मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लें अच्छी तरह से, उसके बाद हम लोगों ने जो पराठे बेले थे उन्हें उसे डाल देंगे और उसे मीडियम फ्लेम पे लाइक दोनों साइड से पकने देंगे बिना तेल के बिना घी के। तो आप जब उस आपको दोनों साइड से पक जाए कप क्रस्ट बन जाए तो आप उसमें फिर हर एक साइड पे आधे चम्मच से लेके 3/4 TBSP ऑयल या घी लगा दीजिएगा और उसे अच्छी तरह से दोनों साइड से पका लेंगे और हमारा आलू का पराठा रेडी हो जाएगा। आप लाइक हर एक बीच बीच में उसको पलट पलट के देखते रहिए कि ठीक से पका है या नहीं, तो फिर जब जैसे जैसे क्रस्ट बनता जाएगा वो आपको पता चल जाएगा स्मेल से भी कैसा है, मसालों का भी स्मेल आने लगेगा। तो इस तरह से हमारे आलू के पराठे रेडी हो जाएंगे और बाकी के जितने भी बचे हुए पराठे हैं उनको भी इसी तरह से पका लेंगे और चलते हैं अब टेस्टिंग के लिए। तो हमारा आलू का पराठा रेडी है, तो मस्त मक्खन डाल करके और प्योर देसी घी में बनी हुई है, उसके साथ अचार और मिर्च और कर्ड एंड केचप, आपको जैसा पसंद हो केचप सब में। तो ये है आलू का पराठा। सो मैं आपको एक पीस टेस्ट करके बता पाता। अच्छा, तो मैं एक बड़ा पीस ले रहा हूँ, थोड़ा सा अचार कर्ड के साथ, सो क्रिस्पी और बटर सो मच टेस्ट आ रहा है। और उसके साथ हमारे पास अचार भी है और मिर्च भी है, आपको अगर अच्छा लगता हो तो इससे भी और भी टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। आपको जो मैंने लेयरिंग के तरीके बताए, दो के को लेयर करके रोल करने से ये कभी भी फटेगा नहीं और एकदम फुल प्रूफ है, हर टाइम अच्छा आलू का पराठा बनेगा। तो आप भी ट्राई करके देखो और बनाओ, आप होपफुली आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आती हो तो, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे रेसिपीज और जो भी वीडियोज़ बनाते हैं उसके साथ बने रहें। तो आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.